हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने जा रहे हैं असर्शन रीजन क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन सीबीएसई नेट के अलावा बाकी कई एग्जाम्स में आते हैं और मैंने ये नोटिस किया है कि बच्चे इसमें काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ जिसे देख के आप ये टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ईजिली कर लेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें ताकि वीडियो के एंड में दिए गए हुए क्वेश्चन आप कर पाएँ। सबसे पहले हम ये समझ लें कि असर्शन और रीज़न होता क्या है। असर्शन हमारा होता है कोई भी स्टेटमेंट, और रीज़न हमारा होता है जो कि हमारे स्टेटमेंट को सही तरह से एक्सप्लेन करे। तो हमारा असर्शन होता है स्टेटमेंट, और हमारा रीज़न होता है एन एक्सप्लेनेशन टुवर्ड्स दैट स्टेटमेंट। किसी भी असर्शन रीज़न टाइप के क्वेश्चंस में 5 तरह के ऑप्शंस आते हैं, जिनमें से 2 ऑप्शंस में असर्शन और रीज़न दोनों सही होता है। लेकिन हमें ये बताना होता है कि क्या हमारा रीज़न जो है वो हमारे असर्शन को सही तरह से एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं। बाकी 3 ऑप्शंस में या तो हमारा असर्शन सही होता है और रीज़न फॉल्स होता है, या तो हमारा असर्शन फॉल्स होता है रीज़न सही होता है, और या तो दोनों ही फॉल्स होते हैं। तो इन तरह के क्वेश्चंस को सबसे आसान तरीका करने का ये है कि हम इनको एक क्वेश्चंस ना समझ के बल्कि 2 क्वेश्चन ट्रीट करें। ट्रीट देम एज 2 ट्रू और फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इस तरह से हम ये पता लगा लेंगे कि हमारे दोनों स्टेटमेंट में से कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि हमारा असर्शन और हमारा रीज़न दोनों ही सही है, ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। बाद में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में थोड़ा डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल लेंगे। तो हम ये क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमारा असर्शन और रीज़न सही है। तो हमारा असर्शन कहता है कि आई केम लेट टूडे, और हमारा रीज़न कहता है कि इट वॉज रेनिंग। और हमें ये पता लगाना है कि जो हमारा रीज़न है वो हमारे असर्शन को सही तरह से एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं। देखिए, इन तरह के क्वेश्चंस में जहाँ कि हमें बिल्कुल कंफर्म है कि हमारे रीज़न और असर्शन दोनों ही सही है, इस ये सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका ये होता है कि हम असर्शन के बाद में बिकॉज लगा दें। अगर हम असर्शन के बाद में बिकॉज लगा देते हैं और हम फिर पढ़ते हैं असर्शन और रीज़न को एक साथ, तब हम ये बता पाएंगे कि हमारा रीज़न जो है वो सही तरह से असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं। देखिए, इफ़ द रीज़न इज़ रिलेटेड टू द असर्शन विद बिकॉज, दैट इज़ आई केम लेट टूडे बिकॉज इट वॉज रेनिंग, सो इट मेक्स सेंस हेयर रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, सो ऑप्शन ए इज़ द राइट वन। तो आज मैं देरी से आया क्योंकि बारिश हो रही थी, ये बिल्कुल सही रीज़न है, क्योंकि बारिश होती है तो इंसान लेट से ही जाता है। लेकिन अगर हमारे रीज़न में इट वॉज रेनिंग की जगह होता कि आई केम लेट टूडे बिकॉज इट वॉज 22, तो आज 22 हो सकती है लेकिन उसकी वजह से कोई लेट हो जाए, तब हमारा जवाब होता कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट, बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आइए एक और टफ एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमें शुरू से ये पता करना है कि दोनों में से कौन से स्टेटमेंट सही हैं और क्या हमारा रीज़न जो है सही तरह से एक्सप्लेन कर पा रहा है असर्शन को कि नहीं। तो पहला हमारा स्टेटमेंट है कि बांग्लादेश इंपोर्ट्स जूट फ्रॉम इंडिया, और हमारा रीज़न है बांग्लादेश हैज़ मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स। तो हम ये देखेंगे कि क्या हमारा पहला स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, बांग्लादेश इंपोर्ट्स जूट फ्रॉम इंडिया, ये सही है कि नहीं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि बांग्लादेश इंपोर्ट नहीं करता है जूट इंडिया से, बल्कि हम लोग इंपोर्ट करते हैं जूट बांग्लादेश से, तो हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। बस हमें ये पता लगाना है कि हमारा रीज़न सही है कि नहीं। अगर हमारा रीज़न गलत हुआ तो हम दोनों ऑप्शंस फॉल्स है टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे और इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो रीज़न है इसका बांग्लादेश हैज़ मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स। तो देखिए, फिर मैंने जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि बांग्लादेश के पास जूट मिल्स नहीं है बल्कि इंडिया के पास जूट मिल्स है, तो हमारा बोथ ए एंड आर फॉल्स, और हमारा ऑप्शन ए इज़ द राइट चॉइस, यानी बोथ असर्शन एंड रीज़न आर फॉल्स। तो
इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप दोनों को एक क्वेश्चन नहीं बल्कि दो क्वेश्चन समझ लीजिए ट्रू और फॉल्स की। आप एक एक स्टेटमेंट को देखिए, पहला स्टेटमेंट पढ़िए और आप पहले ये डिसाइड करिए ये ट्रू है या फॉल्स है, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए कि वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर दोनों ही फॉल्स है तो आप उस पर टिक लगा के आगे बढ़ जाइए, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में एक एक मिनट बहुत, एक एक सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है बल्कि। और अगर आपका दोनों ऑप्शन सही है तो आप क्वेश्चन के बाद में बिकॉज लगा के देखिए, अगर आपका जो रीज़न है वो आपके असर्शन को कम्प्लीटली जस्टिफाई कर पा रहा है तब आप ऑप्शन पे टिक लगाइए कि हाँ आपका रीज़न जो है सही तरह से एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। अगर वो आपका रीज़न जो है सही तरह से जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, कम्प्लीटली जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है असर्शन को, तो आप ऑप्शन पे टिक लगाइए, ऑप्शन ए और असर्शन ए एंड रीज़न आर बोथ आर करेक्ट बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये एग्जांपल मैंने आपको दिया हुआ है, इसे प्लीज़ आप सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट में इसका आंसर लिख के बताइए। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।